नमस्कार, बिल्डर मस्त ग्राहक पस्त। जी हां, आजकल कुछ ऐसा ही दिख रहा है। मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद ही खास शो, जो कहीं ना कहीं आज हर एक रियल एस्टेट बायर के दिल की परेशानी है। बिल्डर्स की मनमानी अब भी जारी है, बायर्स आज भी परेशान है और जी बिजनेस लंबे वक्त से आपकी आवाज इन बिल्डर्स की मनमानी के खिलाफ उठा रहा है, हल्ला बोल रहा है। आपकी हमारी आवाज को आज एक और साथ मिल गया है, अथॉरिटी का साथ। जी हां, लंबे समय से सुविधाओं के अभाव के कारण बायर्स का विरोध झेल रहे सुपरटेक के खिलाफ अब अथॉरिटी ने भी हल्ला बोल दिया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने नियमों के उल्लंघन के मामले में सुपरटेक के जार प्रोजेक्ट में 1000 से ज्यादा फ्लैट्स और विलाज को सील करने का आदेश दे दिया है। इससे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाएं, आपको बता देते हैं हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। मेरे साथ प्रवीण जैन है, प्रेसिडेंट नरेडको, आरके अरोड़ा होंगे, सीएमडी सुपरटेक, टीसी गुप्ता होंगे, एसीओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इंद्रीश गुप्ता होंगे नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन से, शैलेंद्र केपटाउन होम बायर हैं और आलोक कुमार प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट्स ओनर्स एसोसिएशन। इन सभी लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। सुपरटेक के खिलाफ हल्ला बोल, प्राधिकरण ने दिया आदेश। सील होंगे 1009 फ्लैट। बीस एकड़ का प्रोजेक्ट, 1853 फ्लैट, लेकिन आधे से ज्यादा अवैध। सुपरटेक के जार प्रोजेक्ट की असलियत यही है। ये हम नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोल रहा है, जिसने सुपरटेक के 1009 फ्लैट्स को सील करने का आदेश दिया है। इनमें 105 विलास भी शामिल हैं। दरअसल प्राधिकरण का कहना है कि सुपरटेक ने तय प्लान का उल्लंघन किया है। सुपरटेक को तय प्लान के मुताबिक केवल 844 फ्लैट बनाने थे, लेकिन सुपरटेक ने अपनी मनमानी के आगे तय प्लान को आड़े हाथ लिया और मुनाफा कमाने के लिए 1009 फ्लैट ज्यादा बना डाले। इनमें आधे से ज्यादा फ्लैट तो बिक भी चुके हैं। सुपरटेक का कहना है कि उसने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा के मुताबिक जो एक्स्ट्रा फ्लैट बनाए गए हैं वो नियम के तहत बने हैं और फ्लोर एरिया रेशियो को लेकर यूपी सरकार की नीतियों के तहत हैं। इन फ्लैट्स के लिए कंपनी अतिरिक्त रकम देने को तैयार है और प्लान की मंजूरी के लिए प्राधिकरण के पास आवेदन भी किया है। प्राधिकरण ने कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि पहले निर्माण और बाद में उसकी मंजूरी लेना कैसे संभव है। कंपनी को निर्माण से पहले ही मंजूरी के लिए अपनी फाइल भेजनी चाहिए थी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सुपरटेक सवालों के घेरे में आया है। नोएडा के सेक्टर 74 में सुपरटेक का केप टाउन प्रोजेक्ट भी सवालों के घेरे में है। केप टाउन के ग्राहकों का आरोप है कि बिल्डर ने प्रोजेक्ट में 5 फ्लोर अवैध बना लिए हैं। आरोप ये है कि जब 2010 में केप टाउन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब उसमें 30 फ्लोर बनने थे, लेकिन 2012 में लेआउट प्लान बदला गया, जिसके बाद प्रोजेक्ट की कुछ बिल्डिंग्स 25 फ्लोर की हो गई। 2010 में जो लेआउट था, जिसको ओरिजिनल लेआउट को देख करके हमने लिया था, उसमें जो भी टावर्स थे, जो टेबल वन में है, जो आरटीआई के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उसमें सारे टावर्स की जो मैक्सिमम ऊंचाई थी, मंजिल थी, वो 20 मंजिल थी। 2012 को अचानक इन्होंने प्राधिकरण में जाकर के लेआउट चेंज करा लिया। उन्होंने क्या किया कि 20 की जगह 25 मंजिलें वहां पे अप्रूवल ले लिया। प्राधिकरण ने ना हमें सूचित किया, ना बिल्डर ने हमें सूचित किया। करीब 2 साल पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट के 2 टावर्स गिराने का आदेश दिया था। सुपरटेक ने केवल 24 मंजिल बनाने की मंजूरी ली थी, लेकिन 40 मंजिला इमारत बना दी गई। हालांकि बाद में हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। साफ है कि बिल्डर बार बार नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में फंसते हैं वो ग्राहक जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई फ्लैट खरीदने में लगा दी होती है। रामेश नकवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार बिल्डर्स की धोखाधड़ी सामने आ रही है। एक बार फिर सुपरटेक की धोखाधड़ी सामने आई है। सुपरटेक का ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने
उसके 1000 से ज्यादा फ्लैट्स को कैंसिल किया है, जो कि बहुत बड़ा झटका है उन बायर्स के लिए जिन्होंने उस सोसाइटी में घर खरीद रखा था। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, खुद सुपरटेक के सीएमडी भी इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में है, आर के अरोड़ा, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जी बिजनेस के कुछ सवाल हैं वो हम पूछना चाहते हैं यहां पर, और सवाल हमारा ये है कि कैसे बिल्डर एफएआर नियमों की अनदेखी करके मनमानी करते हैं? क्या उनको कानून का कोई डर नहीं है? क्या प्राधिकरण सोया हुआ था, और क्यों प्राधिकरण समय से बिल्डरों पर लगाम नहीं लगाता? अथॉरिटी क्यों समय से एक्शन नहीं लेती? क्या बिना प्राधिकरण की मिलीभगत के इतनी ऊंची बिल्डिंग बन सकती है जब 17 फ्लोर का एफआईआर हो और 24 फ्लोर तक वहां पर फ्लैट्स बना दिए जाएं? क्या अथॉरिटी के बिना मिले जुले ये संभव है? इसके अलावा भी हमारे कुछ सवाल हैं, क्यों प्राधिकरण ऐसे बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करता? क्योंकि इस बार देखा गया उससे पहले कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है, और उन ग्राहकों का क्या जो ऐसे प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीद चुके हैं, वो अपनी मेहनत की जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई अपने घर में लगाते हैं, और उनको जब पता चलता है कि इलीगल है तो उन पर क्या गुजरती होगी? ये कुछ सवाल है। मैं सबसे पहले आर के अरोड़ा आपका रुख करूंगा, और क्योंकि सवाल आप पर उठ रहे हैं इसलिए जवाब भी सबसे पहले आपसे ही सर। सुपरटेक जार का जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को नोटिस भेजा गया है उस पर आपका क्या कहना है? ये हमको नोटिस मिला है आज। ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने 2007 में स्टार्ट किया था, और 2007 में हमने इसकी सैंक्शन कराई थी, पहली सैंक्शन, फिर उसको रिवाइज कराया 2010 में। तो स्टार्टिंग में हमने करीब 844 यूनिट अप्रूव कराई थी इसके अंदर, और उसके बाद परचेजेबल एफआईआर का एक पॉलिसी बनी यूपी गवर्नमेंट से, तो बिल्डिंग रेगुलेशन में बदलाव किया गया, नोटिफिकेशन जारी हुआ कि इतना एफआईआर एक्स्ट्रा दिया जा सकता है अगर इतना कुछ पैसा डिपॉजिट करेंगे तो। देर इज सम सर्टेन गाइडलाइंस फ्रॉम दी, ऐसी कुछ गाइडलाइंस हैं जो यूपी गवर्नमेंट की हैं, और उसमें बिल्डिंग रेगुलेशन 2011 में अप्लीकेबल होती हैं। तो 2014 के अंदर हम लोगों ने रिवाइज नक्शा डाला विद द रिवाइज रेगुलेशन, जो 2010 में रिवाइज हुई थी उसके बाद 2014 में नक्शा डाला था। तो उसमें हम लोगों ने कुछ एडिशनल यूनिट और एडिशनल एफएआर की डिमांड करी थी अथॉरिटी से, लेकिन वो काफ़ी टाइम थे, हमने कई बार लिखा, वो तो वहाँ पे हमको कोई जवाब नहीं आया। तो चूंकि हमारे बिल्डिंग रेगुलेशन के अंदर 90 डेज का प्रोविजन है कि अगर कोई नक्शा 90 डेज में नहीं स्वीकृत होता है या रिजेक्ट होता है, या तो अथॉरिटी रिजेक्ट करेगी या उसको स्वीकृत करेगी, अगर नहीं होता है तो वो डीम्ड सैंक्शन माना जाता है। तो एक तरह से जो हमारा रिवाइज मैप है, जो परचेजेबल एफआईआर के तहत हमने 2014 में सबमिट किया है, दिसंबर 2013 में डीम्ड सैंक्शन माना गया उसको। अच्छा, तो डीम्ड सैंक्शन के अंदर हमने वहां पर काम शुरू किया है, और कोई भी वहां पर यूनिट अनऑथराइज नहीं है। जिस हिसाब से जो उन्होंने एक हमको नोटिस दिया है अथॉरिटी ने, हमने उसका उनको जवाब दे दिया है। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि आपने जो किया वो सही किया। मेरे साथ पीसी गुप्ता भी हैं, एसीओ हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के, और मिस्टर गुप्ता, आर के अरोड़ा तो यहां कह रहे हैं कि उन्होंने नियम कायदों के हिसाब से काम किया। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या ये नियम कायदों से काम हुआ, ये पूरा मामला बताएंगे आप हमें? सुपरटेक को ओमिक्रॉन सेक्टर में एक प्रोजेक्ट आवंटित हुआ है, जिसके बारे में कुछ कंप्लेंट्स आए थे कि जो नक्शा अथॉरिटी से पास हुआ है उससे ज्यादा यूनिट्स बना लिए गए हैं। हमारी टीम ने, हमारी टेक्निकल टीम ने जाके साइट पर देखा था और ये पाया था कि जितने यूनिट सैंक्शन किए गए थे उससे ज़्यादा यूनिट बनाए गए थे, इसलिए उनको नोटिस देके ये कहा गया है कि जितने यूनिट एक्स्ट्रा बनाए हैं उनका अभी आवंटन ना करें और उन्हें सील करें। हमारे नोटिस देने के बाद सुपरटेक ने एक रिवाइज मैप सबमिट किया है और एफआईआर परचेज करने के लिए और डेंसिटी परचेज करने के लिए अपनी एप्लीकेशन दी है जो अथॉरिटी में आ गई है। नियमों में जो एफआईआर परचेज करने का और डेंसिटी परचेज करने के प्रावधान हैं उसके तहत इनके रिवाइज मैप को और एप्लीकेशन का प्रोसेस हमारी टेक्निकल टीम कर रही है। और उस नहीं नहीं नहीं, लेकिन सर आपकी टेक्निकल टीम जो कर रही है उसमें बायर्स का क्या होगा? सर सुपरटेक ने जो रिवाइज प्लान आपको दिया है, एफआईआर भी परचेज करने की एप्लीकेशन दी है, लेकिन फिर भी क्या सारे फ्लैट्स पास होंगे नहीं होंगे, क्या होगा आगे? अभी हम नहीं कह सकते कि सारे यूनिट पास नहीं होंगे, हमारी टेक्निकल टीम देख रही है, हो सकता सभी यूनिट रिवाइज होने की पोजिशन में हो, लेकिन अंतिम निर्णय हम तभी बता पाएंगे जब हमारी टेक्निकल टीम इसको देख ले।
ठीक है, मैं मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करूंगा। इंद्रेश गुप्ता, जो बात यहां पर आरके अरोड़ा कर रहे हैं और जो बात यहां पर पीसी गुप्ता साहब कर रहे हैं एसीओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के, ये मामला आपको लगता है कि इतना सिंपल है जैसा यहां पर ये दोनों लोग कह रहे हैं? ये देखिए, मैं बोलना चाहूंगा कि सुपर टेक का एक तो ये सिद्धार्थ केस है, इसके अलावा इको विलेज 2 है, इसमें 6986 यूनिट इनके अप्रूवल हुई थी पहले, अब ये बना रहे हैं 10453 यूनिट। इको विलेज 1 के अंदर में 6912 यूनिट इनके अप्रूव हुए थे, उसके बाद ये बना रहे हैं 7958 यूनिट। इनके ही सभी प्रोजेक्ट के अंदर में क्या ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ये सारे के सारे जो है एक्सरे एफ बाद में ये सोच लेते कि बाद में मिल ही जाएगा, जहां पर एक बार ने ले रखा है बायर फ्लैट बाय कर लिया हुआ है। डीम्ड एफआईआर का उन्होंने एक क्लॉज बताया आर के, नहीं वो हमसे बायर से अप्रूवल तो लेना पड़ेगा ना, कहां से 7000 कहां पर 11000 फ्लैट। भाई देखिए डेंसिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी वहां पर, जब पेड़ है पार्किंग है वहां पर, जब लोग को सुबह शाम को ऑफिस जाना कितनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसके ऊपर एक और चीज है, ये पूरे नोएडा एक्सटेंशन में जो मेंटेनेंस चार्ज है वो 1.25 रुपए 1.40 रुपए ले रहे हैं। सुपर टैक ही एक ऐसा बिल्डर जो 3 रुपए, ठीक है ठीक है, ये बात की कर सकते हैं, लेकिन अभी मेन इशू तो एफआईआर का रहा है। आलोक कुमार, क्या इस पूरे मामले में क्या लगता है, क्या सुपरटेक जानबूझकर ये कर रहा है कि पहले बना दो बाद में एफआईआर ले लेंगे अथॉरिटी से, क्या ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड ले रहा अथॉरिटी को? जनाब क्योंकि मैं यूपी अपार्टमेंट एक्ट पे ही काम करता हूं, पिछले 6 सालों से लगा हुआ हूं, 2012 में इसके लिए पीआईएल भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी और बिल्डर की मंशा नहीं है कि ये कानून सही ढंग से लागू हो। इस कानून में बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, सुनील अंबानी ने अपने जजमेंट में 57 पेज के जजमेंट में कह दिया है, ये जजमेंट में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था कि भाई कोई भी नक्शे में छेड़छाड़ बिना ग्राहक के सहमति से आप नहीं कर सकते हैं। जो आदमी को आपने अगर फ्लैट बेच दिया चाहे वो एक गज का ही, लेकिन आपका हिस्सेदार हो गया, आप उसकी सहमति उसके कंसेंट के बगैर नक्शे में बदलाव नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि भैया आप हम 1000 फ्लैट लोगों को बेच दिए, यहाँ पार्क दिखा दिए, यहाँ पे जिम दिखा दिए, यहाँ क्लब दिखा दिए, और बाद वहाँ टावर खड़े कर, ठीक है ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। और सुपरटेक पर ये आरोप पहली बार नहीं लगा है, कई बार सुपरटेक पर यह आरोप लगता रहा है, एमरल्ड कोर्ट का भी है, उसके बारे में भी आरके अरोड़ा से पूछेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी गौरव खोसला मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आप उस जगह पर खड़े हैं जहां पर सुपरटेक का ज़ार प्रोजेक्ट है और जहां पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 1000 से ज्यादा फ्लैट्स को कैंसिल कर दिया है, आपने वहां बायर से बात की, उनका क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं आप सुपरटेक के बारे में? देखिए बिल्कुल गौरव, यहाँ पर हमने कई बार से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन कोई भी यहाँ पे जब जैसे ही रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नहीं बनी है तो कोई भी बायर इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से 3 साल पहले ऑब्जेक्शन लेटर दिए गए, आखिर सवाल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर ये उठ रहा है कि क्यों उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की, क्यों जब एफआईआर बढ़ा दिया जाता है, जब बिल्डिंग खड़ी हो जाती है और बायर्स को परेशानी झेलनी पड़ती है, उसके बाद ही क्यों कदम उठाए जाते हैं, पहला सवाल। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि जी मीडिया ने इससे पहले भी मुद्दा उठाया था कि इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक एनआरआई को कुछ एक विला देने की और एक लग्जीरियस फ्लैट देने की बात की गई थी, लेकिन उसके सारे प्लान आउट में चेंज कर दिया गया और उसे सिंपल 2 BHK की ऑफर दी गई, उसके बाद उन्होंने केस लड़ा और उसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया। हालांकि ये मुद्दा भी अभी जारी है, लेकिन सवाल कारगुजारी पर क्या कहेंगे और क्या बिल्डर बॉडी खुद जो रेगुलेट करती है, क्या वो इस पर नहीं देखती कुछ कि कैसे बायर्स के साथ धोखाधड़ी हो रही है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रेगुलेटरी बॉडी नहीं देखती इसके ऊपर। हमारा एक ग्रीवेंसेस सेल है, अगर कोई कंप्लेंट हमारे पास आती है तो हम डेवलपर्स को देखते हैं इसमें और इनको नोट। सर हमारे साथ तमाम बायर्स बैठे हुए हैं, एसोसिएशन के हेड बैठे हुए हैं। सुपरटेक तो ऐसा बिल्डर है सर जिसके गेम में कोई भी कंप्लेंट हो जाए कोई भी सोल्यूशन तो मिल ही नहीं सकता। सस्पेंड कर दिया है क्रेडाई ने भी, अभी आज ही मेरी बात हुई है, मैंने उन्हें बोला है कि जिनको जिनको आपने बिल्डर को सस्पेंड किया है उसकी लिस्ट लगाइए कि आम पब्लिक को पता लगे कि कौन कौन से बिल्डर सस्पेंड है क्रेडाई से। और मुझे प्रवीण जैन साहब की जिसकी मैं बात कर रहा था, इन दोनों की कंप्लेंट भी हमने अथॉरिटी में करी हुई है। जवाब दे लेते हैं प्रवीण जैन साहब, क्या आप कोई सख्त एक्शन लेंगे सुपरटेक के इस नए मामले के बाद? नहीं, बिल्कुल एक्शन लेंगे, मगर इसमें मेरा एक और भी कहना है, जिस तरह से जब भी कोई अथॉरिटी कोई नियम बनाती है, जैसे इसमें अभी नियम उन्होंने बनाया है कि एक एडिशनल एफआईआर मिल सकता है, तो या तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं मिलना चाहिए, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए या जो एक ग्राउंड पे आ चुके हैं प्रोजेक्ट उनके अंदर सर के अप्रूवल नहीं मिलने चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए कि बिल्डर को एक्स्ट्रा एफआईआर मिले ही ना, जब एक्स्ट्रा एफआईआर नहीं मिलेगा जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। सर एक बात बताइए, एक के बाद एक बड़े बड़े नाम, चाहे वामपाली हो, सुपरटेक हो, कॉस्मिक हो,
बीपीडीपी हो, तमाम बिल्डर्स के बारे में धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं और आप जैसे लोग, चाहे क्रेडाई हो, चाहे नरेटको हो, चाहे दूसरे लोग हो, कुछ नहीं कर रहे, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आपका ये एसोसिएशन किस लिए होता है सर, बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए या बायर्स की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए? नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं सबके लिए नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, बायर्स के ग्रीवेंसेस को अटेंड करने के लिए भी है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी एक ग्रीवेंसेस सेल बना हुआ है, अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो बिल्डर के खिलाफ एक्शन लेते हैं। इवन हमने कुछ सर, सुपरटेक के खिलाफ आज तक आपको कोई कंप्लेन नहीं आई? सुपरटेक के खिलाफ आज तक आपको कोई कंप्लेन नहीं आई? और आई तो आपने कुछ किया? अगर नहीं आई जवाब बताता आपको, हमें पीछे भी कुछ, हमें एक मिनट पहले मुझे बोला दीजिए, हमें कुछ कंप्लेंट्स आई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से कंप्लेंट्स आई हैं। ये लोग, ये कंप्लेंट आई मेरे पास करीब 5-6 दिन पहले, मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से मिला था और सबके खिलाफ हमने एक्शन लिया। हम सब लोगों को लेटर लिखा कि जो जो कंप्लेंट्स हैं उसके बारे में आप जवाब दें। अच्छा ठीक है, मेरे साथ तो मैं अपना सेल के लिए ये आप करेंगे, आप कह रहे हैं आपके पास आगे कंप्लेन आएगी तो करेंगे। मेरे साथ एक केप टाउन के होम बायर हैं, सुपरटेक का बहुत मशहूर प्रोजेक्ट है नोएडा का, और अभी कुछ दिन पहले जी बिजनेस ने दिखाया था कैसे वहां के गार्ड्स ने वहां के बायर्स के ऊपर लाठी चलाने की कोशिश की थी जब अपना हक मांग रहे थे। शैलेंद्र, आपके सामने प्रविंजन बैठे हैं नरेटको के प्रेसिडेंट, ये कह रहे हैं इनके पास कोई कंप्लेन नहीं आई। आज तक आप लोगों ने सुपरटेक के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं आई, और केप टाउन में क्या सब कुछ सही है? नहीं, केप टाउन में उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए, बहुत 750 के आसपास लोगों ने वहां पर रह भी रहे हैं, लेकिन वहां पे मतलब ठीक है कि हमें ना यहाँ पे जब हम बड़े बिल्डर का फ्लैट खरीदते हैं तो सिर्फ हम फ्लैट की बात हम नहीं करते, अगर हम टाउनशिप की बात करते हैं हम तो सिर्फ कारपेट एरिया का पैसे दिए नहीं, हमने तो सुपर एरिया का पैसे दिए। हमें तो हर चीज़ चाहिए, धूप भी चाहिए, अच्छी धूप भी चाहिए, अच्छी हवा भी चाहिए, अच्छी पानी भी चाहिए, हमें हर चीज़, हमें क्वालिटी की लाइफ चाहिए। वो मिल रही है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही है। आपने नरेटको में शिकायत की इसकी? नहीं, हमने क्रेडाई में डाला था, और अभी सैटरडे की बात है, वहाँ पे भी जी न्यूज की तरफ से लाइव दिखाया गया था। उसके बाद कर दिया जा रहा है, उसके बाद जो हमारे सीएमडी साहब थे वहाँ पे तुरंत आए थे और हमने एक 570 मीटर की बात कही थी कि 570 मीटर का जो ग्रीन एरिया था उसको लैंडस्केप करके वहाँ पे कार पार्किंग बनाया जा रहा था। यहाँ पे प्राधिकरण से भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि क्या ग्रीन एरिया और जो लैंडस्केप का जो डेफिनेशन है वो सेम है? बिल्कुल, ये भी बात करेंगे प्राधिकरण से, और बात करेंगे कि प्राधिकरण क्या ऐसे मामलों में आंखें मूंदे बैठा रहता है, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, इस पर भी जवाब लेंगे। मेरे साथ ACO है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के PC गुप्ता, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सवाल यहाँ पर है कि बिल्डर मस्त है लेकिन ग्राहक भी पस्त है, और ग्राहक को अगर उसके कंप्लेंट्स को एड्रेस करना है तो बिल्डर्स एसोसिएशन को, सरकार को, अथॉरिटी को, सबको सामने आना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकें। वैसे सुपरटेक की तो हम बात कर रहे हैं लेकिन सुपरटेक अकेला ऐसा बिल्डर नहीं है जो सवालों के घेरे में है। सुपरटेक के अलावा कई बिल्डर्स और भी हैं जो बायर्स के गुस्से का शिकार होते रहते हैं। इनमें आम्रपाली, लोटस, TDI, महिंद्रा जैसे बड़े बड़े बिल्डरों का नाम शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। आम्रपाली के खिलाफ प्रदर्शन, कॉस्मिक के खिलाफ सड़कों पर उतरे ग्राहक, लोटस के खिलाफ हल्ला बोल, चाहे बात नोएडा की हो या फिर गुड़गांव की, हर जगह लोग बिल्डर्स से परेशान हैं। आम्रपाली के खिलाफ भी ग्राहकों ने हल्ला बोला, विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन फिर जो तरीका चुना उसने आम्रपाली को हिला दिया। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को ट्विटर पर टैग करके मुहिम छेड़ दी, नतीजा धोनी ने आम्रपाली के साथ करार तोड़ दिया। सैफायर प्रोजेक्ट के ग्राहक समय पर पोजीशन नहीं मिलने से परेशान थे, वहीं बिल्डर से उनकी शिकायत वायदे के मुताबिक काम पूरा नहीं होने की भी थी। कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के खिलाफ भी ग्राहकों ने नारे लगाए, वजह ग्राहकों से वादा किया गया था कि उन्हें 2014 में ग्रेटर नोएडा में फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन अब ग्राहकों को बिल्डर के घर के बाहर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा है। दरअसल कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स ने 2011 में CCPI प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ग्राहकों ने 90 से 95% पेमेंट जमा भी कर दी, बिल्डर ने हर महीने 1% का एश्योर्ड रिटर्न का वादा किया था। कंस्ट्रक्शन का काम फिलहाल रुक चुका है और बिल्डर ने एश्योर्ड रिटर्न देना भी बंद कर दिया है। वहीं नोएडा के सेक्टर 110 में लोटस ने पनाह के प्रोजेक्ट में 3 साल में फ्लैट का पोजीशन देने का वादा किया था,
पोजेशन में एक से तीन महीने की देरी होने पर ₹5 प्रति स्क्वायर फीट और चार से छह महीने की देरी पर ₹7.5 प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से पेनल्टी देने का वादा था। तो आरके अरोड़ा सीएमडी सुपरटेक हमारे साथ इस पैनल में हैं और हम बात जार की प्रोजेक्ट से शुरू हुई थी इस डिबेट में कि जार में कैसे अवैध निर्माण किया गया और सीधा सवाल यही से आरके अरोड़ा साहब, जार में सुपरटेक का जो ग्रेटर नोएडा में जार प्रोजेक्ट है, क्या आपने बिना किसी नोटिस के वहां अवैध निर्माण किया? हाँ बिल्कुल लिया गया, कंसेंट लिया गया, पेपर के अंदर पब्लिश है। मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। जनवरी 2015 में अथॉरिटी ने पब्लिश किया था पब्लिक ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने के लिए कि इन्होंने ये नक्शा डाला है, इसके अंदर किसी को कोई अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो हमको इसके बारे में सूचित करें। और लोगों के ऑब्जेक्शंस भी इनवाइट हुए थे, इन्होंने उसको इस ऑब्जेक्शन भी डिस्पोजल किए हुए, सारी कार्रवाई फाइल के ऊपर हुई भी है। पीसी गुप्ता साहब, इस खबर के बाद बायर्स में बहुत पैनिक है कि उनके फ्लैट कैंसिल हो सकते हैं, अब आपके पास उनके लिए क्या, उनके पास क्या ऑप्शन है और क्या उनके पैसे डूब जाएंगे सर? अभी इस पर बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो नियमों में बदलाव हुए हैं, एफआईआर परचेज करने के प्रोविजन सरकार ने अनुमोदन किए हैं, डेंसिटी परचेज करने के प्रोविजन अनुमोदन किए हैं, उसके तहत परीक्षण हो जाने दें। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ उसमें सुविधा मिल जाएगी, तो बायर्स को अभी बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और हम लोग बहुत जल्दी करें इसको, मैं हम समझते हैं कि एक महीने के अंदर हम इस पर निर्णय ले लेंगे कि कितने यूनिट्स उनके रेगुलराइज हो सकते हैं। ठीक है सर, आपके आपकी बात पर बहुत सारे बायर्स को भरोसा मिला होगा लेकिन ये भरोसा टूटने ना पाए सर, वरना आप पे भी लोग भरोसा नहीं करेंगे आने वाले दिनों में। मेरे पास समय बहुत कम है आलोक कुमार, 10 सेकंड में आपका जवाब। इतने सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं और अधिकतर में गड़बड़ी बात सामने आ रही है, क्या ये प्रोजेक्ट सही पर और सही तरीके से पूरे हो पाएंगे आपको लगता है दिल्ली एनसीआर में? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है गुप्ता जी की बात से भी और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बिल्डर एसोसिएशन के उनसे भी। अगर आप वाकई ग्राउंड पे सर्वे करने जाए तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में 6 महीने के अंदर ही 500 विजय माल्या दिखाई देने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे एनसीआर के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें करोड़ों अरबों रुपए लोगों ने तो बायर्स के पास क्या ऑप्शन है? मैं यही कह रहा हूं, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी सबसे बड़ी कल्प्रिट है जो कोई बैकग्राउंड चेक किए बगैर केवल साठ घाट से लोगों को प्लॉट अलॉट कर देती है, उनका बैकग्राउंड तक चेक नहीं करती, सेंसर प्लान अप्रूव कर दिया जाता है, परचेजेबल एफआईआर दे दिया जाता है। ठीक है, मतलब अथॉरिटी भी इसमें नहीं। मेरा सवाल सुन लीजिए, बायर्स के 10 सेकंड आपके, बायर के पास क्या ऑप्शन है, कहां जाए वो? देखिए, 2 साल से हमने अथॉरिटी को कंप्लेन करी हुई है, 2 साल से अथॉरिटी ने इकोलेज 1 इकोलेज 2 जो घटना अथॉरिटी नडक, कहीं पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, ये सब के सब लोग वेट कर रहे हैं। हम 90-95% पेमेंट दे देंगे, उसके बाद में इसका डिवोल्यूशन का ऑर्डर लेंगे। आप लोग तो हमने हाईकोर्ट में भी केस किए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमारे 4 केस चल रहे हैं आज के डेट। ठीक है शैलेंद्र, शैलेंद्र आपको क्या उम्मीद है? सर हमें ये कहना है कि जब वहां पे टावर्स खड़े हो गए, बिल्डर के फ्लोर्स बन गए, तो मेरा ये कहना है कि बिल्डर्स को बायर्स के साथ, एग्जिस्टिंग बायर के साथ बातचीत करें और वहां पे जो भी बेनिफिट है वो, जो भी बेनिफिट है उसके साथ वो शेयर करें। केप टाउन के लोगों को भी सुन रहे हैं, क्या बायर्स को अब जार प्रोजेक्ट में हर्जाना भरना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल लिया गया, कंसेंट लिया गया, पेपर के अंदर पब्लिश है, मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। जनवरी 2015 नहीं, हमारा ये कहना है कि जो भी आपके ऑब्जेक्शन आ रहे हैं है, तो बिल्ड है। जो एग्जिस्टिंग बायर्स के साथ उसको आप बेनिफिशियरी बनाइए, आप सारा फायदा क्यों ले रहे हैं? ठीक है, लगता है साहब कोई ऑडियो में गड़बड़ है, उन तक आवाज जा नहीं रही है बहुत। ठीक है, समय खत्म हो चुका है लेकिन कुल मिलाकर उम्मीद यही है कि बिल्डर्स मस्त है लेकिन ग्राहकों की भी कोई सुने और ग्राहकों से भी कोई पूछे कि उनको दर्द क्या है, उनकी दिक्कत क्या है और उनको क्या और क्या ये सारे मिली भगत है। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया और आरके अरोड़ा आपका बहुत शुक्रिया, पीसी गुप्ता आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रवीण जैन आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आप तो कुछ करेंगे अगर अथॉरिटी नहीं करी, क्योंकि आप यहां पर कह रहे हैं कि लोगों की आप सुनते हैं और इनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते हैं। कुल मिलाकर जी बिजनेस की कोशिश ये है कि बायर्स के कंसर्न को एड्रेस किया जाए और जार प्रोजेक्ट में के जो बायर्स हैं उनको उनका हक मिले, न्याय मिले। फिलहाल इस शो में बस।